स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं जेनेटिक्स कुमार और आज हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग हमारे सिविल जी के 3D लैब पे, जहां पे हम जो है पूरा सीखने वाले हैं प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट को। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे कौन कौन से अपैरेटस या कौन कौन से इक्विपमेंट की हमको जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ आ जाता है हमारा सीव, ठीक है। तो आइए, सीव हमको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है एज पर आपका जो भी पार्टिकल साइज है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने देखा था हमको ISCO 37.5 mm ISCO, 19 mm का ISCO और 4.75 mm का ISCO, और उसके टॉप में लीड रहेगा और सबसे नीचे पैन रहेगा। तो इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है एक वेइंग बैलेंस मशीन की, मैंने बोला था, जिसके भी हमें एक 10 kg की कैपेसिटी, जिसकी सेंसिटिविटी 1 gram की होनी चाहिए, और एक 200 ग्राम की कैपेसिटी की हमको वेइंग बैलेंस चाहिए होगा, जिसकी सेंसिटिविटी आपका 0.01 gram। ये सेंसिटिविटी क्या कह रहा है, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं कि इतने एक्यूरेट जो है हमारा ये वेइंग बैलेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये थर्ड हो गया। फोर्थ में हमको जो है पैन की जरूरत पड़ेगी मिक्सिंग के लिए, एक स्कूप की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। एक स्टील स्टेटस की जरूरत पड़ेगी, हमारा जो मोल्ड होगा मोल्ड में हम लोग सॉइल को स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा रैमर है जिसको हम लोग हैवी रैमर या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाइट रैमर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम जो है 4.89 kg का हम लोग रैमर यूज़ करना है, जिसका फ्री फॉल जो है 450 mm होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं लाइट कॉम्पैक्शन 2.6 kg का, जिसका फ्री फॉल जो है 310 mm का होता है। अब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे कंटेनर्स चाहिए होगा, जिस सॉइल का हम लोग जो है मॉइस्चर कंटेंट मिला के प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन करेंगे, उसी सॉइल का हम जो है कुछ मात्रा लेके यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी ताकि हम जान पाएं कि कितना पानी हम मिला रहे हैं, ठीक है। अगर हमको मैक्सिमम डेंसिटी नहीं अचीव होगा तो हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट को अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट मिलाकर हमें उस सॉइल सैंपल के साथ जो है ये टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हमारा 4 से 5 सैंपल हमको इसको लगातार टेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट में, ठीक है। तभी हमको जो है ग्राफ जो है वो मिलेगा, जिससे कि हम जो है MDD और OMC को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जो हमारा मोल्ड है, इस मोल्ड का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर आप 2250 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप मोल्ड यूज़ करते हैं, उसका डायमीटर जो है 150 mm का होगा और इसका जो हाइट है 127.3 mm का होगा। वैसे अगर आप 1000 cc का यूज़ करते हैं तो 100 mm का होगा और 125 का इसका हाइट होगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर में एक कॉलर लगता है जब हम सॉइल कॉम्पैक्ट करते हैं, बाद में इस कॉलर को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम जो पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमको जो है सॉइल का सैंपल लेके आना है जैसे बोला गया है। अगर आपका ससेप्टेबल टू क्रशिंग है तो आपको जो है ज़्यादा सॉइल सैंपल लेके आना है, नॉट ससेप्टेबल टू क्रशिंग है तो आप जो है कम सॉइल पर काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ओवन ड्राइंग है, जहाँ पे हम जो सॉइल को हमारा ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद जो हम एक स्पेसिफिक मात्रा में सॉइल का सैंपल यहाँ पे लेंगे। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहाँ जॉब ना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS&RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। सॉइल का सैंपल लेने के बाद इसको वेट करेंगे कितना सॉइल हम ले रहे हैं, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पे जो है कुछ सॉइल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब इस सॉइल को हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना पड़ेगा कि कितना सैंपल हमने लिया एक बार टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो मोल्ड है, जो मोल्ड का आपका वॉल्यूम है, लगभग उसके आसपास हम जो है कुछ भी सॉइल सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे मोल्ड में सफिशियंटली वो फिल हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एयर ड्राइड सॉइल सैंपल लिया जो कि 19 mm ISCO से पास है और 4.75 ISCO में रिटेन्ड है। ये वाला सॉइल सैंपल हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है 19 mm से पास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास जो है ऐसा सॉइल सैंपल है जिसमें कि आपका 19 mm या 19 mm के आसपास का सॉइल का पार्टिकल जो है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे बड़े साइज के पार्टिकल जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जो है 19 mm से पास और 4.75 में रिटेन वाला सॉइल सैंपल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब वो सॉइल सैंपल को आपको जो है इस ISCO से लेना है और इसको जो है मिक्सिंग के लिए यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक मात्रा में हम क्या करेंगे, वाटर का कंटेंट मिलाएंगे और इस वाटर कंटेंट को हमको याद रखने कि हमने कितना मिलाया है, ठीक है, तभी तो हम जो है कम ज़्यादा कर पाएंगे ना। मान के चलो हमने यहाँ पे पानी मिलाया, इसको टेस्ट किया तो हमको कुछ डाइडेंसिटी मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो वाटर कंटेंट है इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो डाइडेंसिटी है वो हमको ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। अगर ज़्यादा मिल रहा होगा तो अच्छी बात है, हम वाटर कंटेंट और थोड़ा सा बढ़ा के इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट को बढ़ाओगे आपका जो ड्राई डेंसिटी है हल्का हल्का बढ़ते जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वाटर कंटेंट को आप बढ़ाते जाओगे तो आपका जो ड्राई डेंसिटी है वो कम होना चालू हो जाएगा। तो आपका जो कर्व जो पहले बढ़ रहा था वो कम होना चालू हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि एक बीच में ऐसा वाटर कंटेंट आया था जहां पे आपको रोक देना चाहिए था, वही वाले वाटर कंटेंट में आपको मैक्सिमम डाइजेसिटी मिलेगी। ये तब आपको फाइंड आउट होगा जब आप टेस्ट को बार 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 परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, हमने यहाँ पर वाटर जो है ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको जो हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इवनली मिक्स हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास का जार में हम लोग जो है लगभग इसको जो है 16 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा सॉइल जो है अच्छे से इवनली सभी तरफ से मॉइस्चर जो है फैल जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है इसको, हमारा जो मोल्ड दिख रहा है यहाँ पे, इस मोल्ड में हम लोग जो है इसको फिल करने वाले हैं। पहला लेयर हमने फिल किया, ठीक है, उसके बाद इसको रैमिंग किए, अच्छे से कॉम्पैक्ट किए, लगभग 55 नंबर ऑफ ब्लोस हम लोग इसको देंगे 4.89 केजी वाले रैमर पे, क्योंकि हम यहाँ पे मोल्ड जो यूज़ कर रहे हैं 2250 सेंटीमीटर क्यूब वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकंड लेयर देंगे, सेम प्रोसीजर वहीं पे रहेगा, इसको रैमिंग करेंगे, फिर थर्ड लेयर का फिलिंग करेंगे, फिर रैमिंग करेंगे, तो ऐसे करते हुए हमको जो है फोर्थ और फिफ्थ लेयर का भी हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉइल के सैंपल को फिल करना है और उसको कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट करने के बाद हमको कॉलर को इसके ऊपर से हटाना है और कॉलर को हटाने के बाद जो भी हमारा एक्सेस सॉइल होगा इसको स्टेटस से बराबर कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, स्टेटस से बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद हम इसका वेट लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया हुआ था, इससे पहले हमने जो हमारा ये मोल्ड है ना, इस मोल्ड का हमको डायमेंशन तो पता है तो हम वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर ही लेंगे, ठीक है। अब ये जो खाली मोल्ड है उसका भी आपको वेट लेना पड़ेगा, देन फिर हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद हम इसका फिर से वेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको, ऑब्जर्वेशन टेबल पे दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको दिखाऊंगा और उसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका जो भी सॉइल सैंपल हमने टेस्ट परफॉर्म किया उसका मॉइस्चर कंटेंट भी फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो सॉइल का सैंपल था मोल्ड में इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम जो है कुछ 3-4 सैंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करेंगे, किसके लिए, मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमारा कंटेनर रहेगा, इस कंटेनर में हम जो है इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, सॉइल सैंपल को लेंगे, एक हमने बॉटम से लिया, कभी मिडल से ले लिया और कहीं से भी ले लिया, इस तरीके से हम जो है 3-4 सैंपल या 5 सैंपल हम लोग यहाँ पे लेंगे और इन सैंपल्स को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा कंटेनर दिख रहा है मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, हमारा जो कंटेनर दिख रहा है उसका खाली वेट पहले आपको लेना है, फिर आपका इसमें सॉइल डालना है, यहाँ पे सॉइल जो होगा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा कुछ, उसके साथ आपको वेट लेना है। उसके बाद जब इसको आप 24 घंटे के लिए किस में डालेंगे, ओवन टैंक में डालेंगे, तो ये सॉइल आपका ड्राई हो जाएगा, तो उसके साथ फिर से एक बार वेट लेना रहेगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जर्वेशन टेबल्स जो है बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसमें रख दिया हमारा जो कंटेनर से, और यहाँ पे सारा कुछ जो मैंने आपको बताया कि 105 डिग्री में आपको जो है 110 डिग्री में आपको मेंटेन करके रखना है 24 घंटे के लिए, और बाद में फिर इसको निकाल के हमको वेट करना पड़ रहेगा। उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा जिसमें जो है कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। सबसे शुरुआत में आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि सैंपल का लोकेशन, सोर्स ऑफ सैंपल, आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल, जैसे कि हमने सबग्रेड के लिए बना रहे हैं, मटेरियल आपका जो सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ से है, कौन से लोकेशन से आपने लाया हुआ है, कौन से चैनल से लाया, अगर आपने हाईवे बना रहे हैं तो, डेट ऑफ सैंपल आपने कब लिया और कब टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको भरना पड़ता है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, तो हैवी कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो हैवी लिखिए, मेथड कौन सा अपना रहे हैं, रैमर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने केजी का यूज़ कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लोस आप दे रहे हैं, ठीक है, कितने लेयर्स में आप फिल कर रहे हैं, वेट ऑफ सैंपल आपने कितना लिया था, ये सारा कुछ जो है आपको नोट करना रहेगा। फिर हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड निकालना। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो है हमको मालूम रहता है 2250 केजी। तो हमने जब पहली बार टेस्ट किया तो हमारे पास हमको मालूम है 2250 केजी का हमारा मोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ मोल्ड और उसमें जो वेट सॉइल जो होता है उसका वेट लेते हैं, तो ये आया हमारा 11270 ग्राम, ठीक है, सारा कुछ जो है ग्राम में है। उसके बाद वेट ऑफ सिर्फ मोल्ड लिए, खाली मोल्ड लिए, तो ये आया 6175, ठीक है। उसके बाद वेट सैंपल का निकालेंगे, तो वेट सैंपल का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इसमें मोल्ड का और हमारे पास ये जो मोल्ड है ये हट जाएगा, तो वेट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट सैंपल आ जाएगा। वेट सैंपल हमारे पास आया 5095 ग्राम, ठीक है। अब हमको बल्क डेंसिटी निकालना है, तो आपको मालूम है बल्क डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, बल्क डेंसिटी हम लोग निकालते हैं वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हमारा जो सॉइल जैसा कंडीशन में है फिलहाल, उस वो जो हमारा वेट ऑफ सॉइल क्या हुआ, हमारे पास वेट ऑफ सॉइल हुआ 5095 और हमारा जो ये हुआ वॉल्यूम हुआ वो है 2250 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा ग्राम पर सीसी में आ जाएगा बल्क डेंसिटी। इस तरीके से हम जो है बल्क डेंसिटी फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरीके से हम जो है दूसरा ट्रायल करेंगे, तीसरा ट्रायल करेंगे, चौथा ट्रायल करेंगे, पांचवा ट्रायल करेंगे, तो हमको अलग अलग बल्क डेंसिटी जो है इस तरीके से फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बल्क डेंसिटी तो हमने निकाल लिया, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको निकालना है गामा डी, मतलब ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई गामा बल्क, ठीक है, और ये होता है 100 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो हमको गामा बल्क तो पता चल गया है, 100 ये सब तो कांस्टेंट है, हमको चाहिए वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट के लिए हमने क्या किया था, जब जब हमने सॉइल सैंपल लिया था तब हमने क्या किया था, वहाँ से सॉइल सैंपल लेके मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए सैंपल लिए थे। तो जैसे कि हमने सैंपल लिया पहली बार में, ठीक है, तो हमारा ये कंटेनर नंबर लिखा हुआ है सबसे पहला, उसके बाद है कंटेनर वेट,
कंटेनर वेट और आपका वेट सैंपल, जो मैंने बोला था आपको कि जब सॉइल सैंपल लेंगे छोटा वाला आपका जो कंटेनर रहेगा उसके साथ जो सैंपल लेंगे उसका वेट कुछ आएगा। उसके बाद जब उसको ओवन ड्राइंग में डालेंगे तो ड्राई जब हो जाएगा उसके बाद कुछ वेट आएगा। अब ये जो आपका गीला वाला सॉइल और आपका ड्राई वाला सॉइल दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा आपका क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ वाटर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वेट ऑफ वाटर निकल के आएगा। और आप जो है कंटेनर का वेट पहले से क्या करेंगे, मेजर करके रखेंगे, ठीक है। कंटेनर का वेट, एम्प्टी वेट आपको पहले से मेजर करके रखना है। उसके बाद ड्राई सॉइल का अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कंटेनर का वेट बस हटाना पड़ेगा, यहाँ से ड्राई सैंपल मिल जाएगा। तो आपको कंटेनर का वेट पता है, आपको कंटेनर का वेट पता है, कंटेनर का वेट माइनस कीजिए, ड्राई सैंपल का आपको जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर आपका ये हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल का वेट ये हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकल के आ गया। जैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकाला, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे मॉइस्चर कंटेंट का, तो हमारे पास जो है निकल के आएगा ड्राई डेंसिटी, हमारे पास क्या निकल के आएगा, ड्राई डेंसिटी निकल के आएगा। तो वैसे हम लोग जो है जब दूसरा बार ट्रायल किए तब भी वैसे किए, तीसरे बार में, चौथे बार में, पांचवे बार में हमने क्या किया, इन सारे टेस्ट को परफॉर्म किया, हमको बल्क डेंसिटी मिला, हमको जो है मॉइस्चर कंटेंट मिला, हमको जो है ड्राई डेंसिटी मिला। अब ये जो हमको ड्राई डेंसिटी मिला, ये जो ड्राई डेंसिटी मिला, ये जो ड्राई डेंसिटी मिला, ये और ये पांच ड्राई डेंसिटी हमको मिला है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मॉइस्चर कंटेंट भी आपको मिला हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट भी मिला हुआ है। अब इन्हीं दोनों का हम जो है क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, इन्हीं दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसका जो है आप मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा आपका दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बनता है, जैसे कि हमने एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू हमने लिया, ठीक है। अलग अलग वाटर कंटेंट में आपको जो है अलग अलग ड्राई डेंसिटी आपको मिला, अलग अलग वाटर कंटेंट में आपको अलग अलग ड्राई डेंसिटी मिला। हमारा जो कर्व है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कर्व बन रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं हमारा जो आपका ड्राई डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन एक समय ऐसा वाटर कंटेंट आया जहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रहा है और उसके बाद फिर से आपने वाटर कंटेंट बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपका जो ड्राई डेंसिटी है वो कम होते जा रहा है। मतलब कि क्या है कि ये जो वाला वाटर कंटेंट है ये हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। ये वो वाटर कंटेंट है जिसके कारण क्या है आपको ड्राई डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। यही होता है हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, MDD और OMC, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हम इस प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। और यही जो हमारा MDD और OMC है इसी डाटा को हम लोग लेके जाते हैं फील्ड में और वहाँ पे हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट करते हैं, वहाँ पे हम लोग कोर कटर करते हैं और ये पता करते हैं कि परसेंटेज कॉम्पैक्शन हमको कितना मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं सैंड रिप्लेसर और कोर कटर में। तो इंजीनियर्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल विचार। धन्यवाद।